एल बिग स्टॉक्स का स्टिंग आज बिग स्टॉक्स की सूची में क्या क्या तीन बिग स्टॉक्स हैं आज ओके okay. दो ग्रीन एक रेड पहले महानगर गैस एमजीएल इसको मैं एक्चुअली डार्क ग्रीन लेके चलने वाला था क्योंकि एक तो ये स्टॉक उसी सेट से है ऑयल एंड गैस थोड़ा सा पीएसयू का तड़का थोड़ा प्राइवेट का भी तड़का प्लस स्टॉक जो एक करेक्ट हो चुका था थोड़ा सा एफ आई ट्वेंटी फाइव में छः से सात परसेंट की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये और एबिडा मार्जिन नॉर्मलाइज होकर नाइन टू इलेवन हो जाएगा एफ आई ट्वेंटी फाइव में फोर्टीन था लेकिन वो सबको पता था कि ये होने वाला है ठीक है क्या मोदी थ्री पॉइंट जीरो में गैस को आप जी एस टी के अंडर लेकर आएंगे ये बड़ा ट्रिगर बनने वाला यही ब्रोकरेजेस कह रही हैं तो ब्रोकरेजेस का रिपोर्ट पड़ रहा था ज़्यादातर पॉजिटिव है ज़्यादातर पॉजिटिव है इसके लिए मैं इसको ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ पी आई इंडस्ट्रीज को मैं रेड में लेकर चल रहा हूँ क्योंकि एक जापान uh, की एक uh, बहुत बड़ी कंपनी है uh, कुमियाई उसने अपना जो आउटलुक है रेवेन्यू गाइडेंस वो नौ परसेंट घटाया है वो वही प्रोडक्ट करती है जो पीआई इंडस्ट्रीज़ करती है तो इसके लिए इसको मैं रेड में लेके चल रहा हूँ और एक चीज़ आशीष अगर आपको याद मैंने हमेशा एक चीज़ कही है कि लोग चीज़ आइडिया को करते हैं लेकिन ज़्यादा वेल्थ भारती ने बना कर दिया आपको और भारतीय एक ऐसा स्टॉक है जो हर डिप पर लोगों ने बाय किया तो बहुत पैसा बना कर दिया है सी सी की बुलिश कॉल आई है इंडिया की चौथी कंपनी बनी है जिसका हंड्रेड बिलियन डॉलर का मार्केट कैप हुआ है फ्राइडे को हंड्रेड बिलियन डॉलर का मार्केट कैप जिसको का हुआ है विलायंस टी सी और एच बैंक के बाद अब चौथी कंपनी बनी है सी आई बैंक से भी ज़्यादा मार्केट कैप हो गया है इसका और ये एक ऐसी कंपनी मेरे ख्याल से इंडेक्स में अगर पिछले तीन साल में सबसे कंसिस्टेंट स्टॉक कोई रहा है तो भारतीय एयरटेल रहा है मेरे ख्याल से मैं अगर गलत नहीं हो तो हर महीने इसने ऑल टाइम हाई लगाया आई थिंक द ओनली स्टॉक दैट कम्स क्लोज इज़ महिंद्रा एंड महिंद्रा एक महिंद्रा एंड महिंद्रा जो इसके क्लोज होगा अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट देखेंगे भारतीय एयरटेल का दो साल का चार्ट दिखा दीजिए इसका इन्फैक्ट ये कितने टाइम का है ये मेरे को भारतीय का दो साल का चार्ट दिखा दीजिए ये एक साल का चार्ट है सत्तर परसेंट ऊपर और कंसिस्टेंसी देखिए और ये ने दो ने साल का चार्ट है कंसिस्टेंसी देखिए मुझे ना ऐसे स्टॉक्स पसंद है मुझे ऐसे स्टॉक्स पसंद है जो रिटेल ले भूल जाएँ या कहीं भी ऐड कर लें वहाँ उनका पैसा बनता है तो ये एक ऐसा स्टॉक है गजब के कंसोलिडेट करा था 500 तो सौ की रेंज में कितने समय तक उसके बाद एक तरफा मुंह पिछले दो सालों में खैर आज के बिग स्टॉक्स कोई महानगर गैस कोई पीआई इंडस्ट्रीज कोई भारतीय एयरटेल रखिएगा अपने पे